महाराष्ट्र के ठाणे की रैली में बोले पीएम मोदी, देश पहली बार 25 करोड़ गरीब भाई बहनों को गरीबी से बाहर निकलते हुए देख रहा है। पहली बार हर गरीब के लिए पक्के मकान बनाने का काम पुरजोर तरीके से चल रहा है। महाराष्ट्र के डिंडोरी में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है कि मैं उस समय सीएम था, तब मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। झारखंड की चुनावी रैली में बोले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए बोलते हैं और भारत के लिए बोलना सांप्रदायिकीकरण नहीं है। पार्टी डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एमसीसी के उल्लंघन को लेकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दल एमसीसी का उल्लंघन कर रहे हैं। आयोग से कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे उल्लंघन होते रहे तो पूरे देश के लिए नुकसानदायक होगा। ओडिशा के गंजम में गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बीते 10 सालों में पूरे देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। उनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और देश को आगे ले जाने का अगले 25 साल का रोड मैप है। ओडिशा के बलांगीर की रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा कि 2024 की चुनावी लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को खत्म कर देंगे। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने दावा किया है कि अमेठी में यहां की जनता चुनाव लड़ रही है। किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, जनता के मन में क्या है ये 20 मई को पता लगेगा और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। पहली बार सीए से शरणार्थियों को मिले नागरिकता प्रमाण पत्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय में दिल्ली में 14 आवेदकों को सौंपे गए हैं नागरिकता प्रमाण पत्र। कई अन्य आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर जारी किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज शाम 5 बजे ग्वालियर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले रानी महल में 12:30 से 2:30 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। हादसों की रात साबित हुई बुधवार की रात। मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात अज्ञात वाहन से जीप की भिड़ंत में एक महिला समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं ओडिशा के क्योंझर में 2 ट्रकों की कार से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 महिलाओं समेत 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।